हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हमने एक फिजिक्स का नया सीरीज चालू किया। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्लास 10th के वे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही पूछा जाता है। दोस्तों, हम उन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स के क्लास 12 का, वह हम डिस्कस करेंगे जो कूलम्स का लॉ है, उसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, उसको केवल हम टच करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप भी इस साल जो है आपका बोर्ड का एग्जाम होगा और क्लास 12 में की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप जानते हैं कि समय वही फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल में। क्योंकि दोस्तों, कोविड की वजह से डेट बढ़ गया है। पहले फरवरी में ही एग्जाम होता था, लेकिन इस साल मार्च या अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए हम इस नवंबर मंथ से जो है फिजिक्स के क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर एक साल 2 साल जो है गैप करके, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, केवल उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, हम जो है ज़्यादा जो है तामझाम नहीं पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा पूरे फिजिक्स को नहीं ख़त्म करने वाले हैं, केवल उन्हें टच करेंगे जहाँ से आपके नंबर आ जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने यह जो है अपना सीरीज चालू किया है। और यदि आप भी जो है क्लास 12th के स्टूडेंट हों और आप भी जो है इस फिजिक्स में आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो दोस्तों, आप बेहिचक इस पूरे सीरीज को देखिएगा। जितने भी सीरीज मैं यूट्यूब चैनल पर डालूंगा उनको देखिएगा, आपको आपका डाउट निश्चित तौर से क्लियर हो जाएगा। यदि क्लियर नहीं होगा तो फिर बताइएगा, जो है क्लियर निश्चित तौर से हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। यदि आप जो है वीडियो को बहुत ही जो है तरीके से देखेंगे तो, और रोज़ाना देखेंगे, जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनको सभी को देखेंगे, तो निश्चित तौर से आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। आपको यदि कोचिंग नहीं कर रहे हैं या कोचिंग कर भी रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, तो यहाँ से निश्चित तौर से समझ में आने वाला है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना है। और यदि आप नए हो तो वही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, वो करना जरूरी है। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो पहला हमारा चैप्टर है फिजिक्स का दोस्तों, वह है कूलाम्स का। ठीक, अब कूलाम के लॉ में से, वैद्युत स्थैतिकी में से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है हमारा पहला चैप्टर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलाम्स के लॉ में से दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हर साल, जहां से क्वेश्चन बनता है, वह है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है। यहाँ से जो है क्वेश्चन निश्चित तौर से हर साल पूछा जाता है। और दोस्तों, ये जो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण जो मैंने टॉपिक बताया है, इसका प्रूफ हमेशा 1-2 साल के अंतर पे पूछता ही पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के जो है पेपर उठा के देख लेंगे, निश्चित तौर से आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। और दोस्तों, यही एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन बनाता है, तो हम इसी को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि पहले जो चैप्टर है, पहले चैप्टर से यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बनता है जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे और आपको दोस्तों कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बस आप वीडियो देखिए और आपको याद हो जाएगा। ठीक, नाम है इसका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव आपको परिभाषा रटने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि परिभाषा पूछता है एग्जाम में, लेकिन मैं रटने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आप इसका नाम लेंगे, नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, आप कैसे निकालेंगे इसको देखिए। अब इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है दोस्तों, अब यह क्या होता है पूछ लेगा ऐसे ही एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल वह निकाय होता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है या ऐसा निकाय होता है जिसमें जो है जिस निकाय में जो किसी निश्चित दूरी पर दो समान परंतु विपरीत आवेश स्थित हों। ठीक, ऐसा कोई भी वैद्युत क्षेत्र जहाँ पे दो समान परंतु विपरीत, ठीक, समान परंतु विपरीत आवेश स्थित हो किसी निश्चित दूरी पर, तो उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। वैद्युत मतलब किसी निश्चित वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो है आवेश, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव हो, डाइपोल हो। ठीक, डाइपोल कैसे होता है, जब एक पे जो है प्लस चार्ज रहता है, एक पे माइनस चार्ज रहता है। ठीक, तो आपको परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, परिभाषा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्या है परिभाषा, देखिए, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी निश्चित दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परंतु विपरीत आवेशों के निकाय को ही हम जो है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक,
बहुत ही आसान है, सिंपल है और आपको याद हो गया होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यह जो हमारा आवेश है, यह माइनस आवेश है, यह प्लस आवेश है, पॉजिटिव निगेटिव है। उसके बाद यह जो है 2L दूरी पर यदि स्थित है तो यही हमारा यह सिस्टम जो है, यह निकाय जो है, यही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक। अब दोस्तों यह आता है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वह क्या होता है। ठीक, आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। यह दोस्तों आपके जो है एक नंबर में ऐसे पूछ लेगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वह कौन सी राशि है, सदिश या अदिश है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है और इसका परिभाषा लिखिए। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यह वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है यह एक प्रकार का जो है सदिश राशि होता है। ठीक है दोस्तों, सदिश राशि मतलब इसमें दिशा होता है। ठीक, जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है उसमें दिशा होता है, यह एक प्रकार का सदिश राशि होता है। और उसके बाद जो है इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला कुछ भी नहीं है, इसका जो फार्मूला होता है वह आवेश में जो है, आवेश में यह निश्चित दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही जो आएगा वही आघूर्ण हो जाएगा। हम जानते हैं आघूर्ण बराबर होता है जो फोर्स होता है, फोर्स इंटू जो है डिस्टेंस होता है आघूर्ण। ठीक, आघूर्ण फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स के स्थान पे जो है हमारा आवेश है, तो आवेश इंटू डिस्टेंस हम कर देंगे तो हमारा जो है आघूर्ण निकल जाएगा, किसका, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, बहुत ही आसान है। और यदि आपको यह फार्मूला याद हो गया तो आपको परिभाषा वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक, परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं याद करा दूंगा, वीडियो देखिए याद करा दूंगा, परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है वह आवेश इंटू दूरी, आवेश इंटू दूरी, आघूर्ण बराबर यही होता ही है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो आवेश इंटू दूरी हो जाएगा। तो क्यू इंटू 2L जब गुणा करेंगे तो जो भी प्राप्त होगा वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी सदिश राशि है इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब बात यह आती है कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो जो है इसका परिभाषा यह होता है कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश की नहीं, किसी एकांक आवेश के परिमाण और उनके मध्य स्थित उपस्थित दूरी का जो गुणनफल होता है वही हमारा जो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश के परिमाण, मतलब आवेश का परिमाण का मतलब यही होता है कि उसका मैग्नीट्यूड, उसका कितना मान है, आवेश इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा आघूर्ण हो जाएगा इस वैद्युत द्विध्रुव का। ठीक, बहुत ही आसान था। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यह सीएल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है। तो ये तीनों जो है, ये जो है ये अणु हैं। ठीक, लेकिन ये अगर कहें वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण का गुण रखते हैं। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण का गुण रखते हैं, ये सीएल होगा, क्योंकि इसमें भी ये प्लस चार्ज होता है, सीएल पे माइनस चार्ज होता है, एनए पे भी प्लस चार्ज होता है, सीएल पे भी माइनस चार्ज होता है। तो ये दोनों विपरीत आवेश हैं और किसी निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, किसी बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो ये प्रकार के वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा और उनका जो है कैसे इनका परिभाषा याद करेंगे, इनका फार्मूला क्या होता है। और अगले वीडियो में, अभी तुरंत वीडियो दूसरा है इसका पार्ट 2 है, जिसमें कि हमने बताया है कि वैद्युत किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है वह कितना होता है, उसको ज्ञात करने का फार्मूला और प्रूफ, क्योंकि यह प्रूफ हर साल एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक, तो मैं उसका भी वह भी वीडियो देख लीजिए, और यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला वीडियो देखिए, उसमें आपका आघूर्ण वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।